श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए जब से भारतीय टीम का ऐलान हुआ है तभी से लगातार भारतीय टीम की सिलेक्शन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कई खिलाड़ियों को इस स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है तो कई ऐसे खिलाड़ियों को भी बाहर कर दिया गया है जो भारतीय टीम का भविष्य माने जा रहे थे। आपको बता दें कि भारतीय टीम 3 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज खेलेगी और इसको लेकर बीसीसीआई ने मंगलवार रात को इस बात की जानकारी दी कि भारतीय टीम के कौन से खिलाड़ी इस स्क्वाड के अंदर इस सीरीज के अंदर शामिल होंगे। भारतीय टीम की घोषणा करते हुए बीसीसीआई ने बताया कि हार्दिक पांड्या टी20 टीम के कप्तान होंगे तो वहीं रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी दी गई है। बात करें अगर भारतीय खिलाड़ियों की तो टी20 और वनडे में कुछ खिलाड़ी शामिल हैं, वहीं इसके अलावा बदलावों के साथ दोनों सीरीज पर भारतीय टीम उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि भारत ने कई युवा खिलाड़ियों को इस सीरीज पर मौका दिया है। टी20 सीरीज पर कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, लेकिन इन सभी के बीच एक खिलाड़ी ऐसा भी रहा जिसे भारतीय टीम के स्क्वाड के अंदर नहीं शामिल किया गया। उसका नाम था भारतीय ओपनर पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आईपीएल खेलने वाले पृथ्वी शॉ टीम इंडिया के स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किए गए। इसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार पृथ्वी शॉ की ऐसी क्या गलती है कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा पृथ्वी शॉ ने भी अपने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए अपने दर्द को बयां किया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पृथ्वी शॉ ने एक स्टोरी को साझा किया जिसमें लिखा था कि कुछ लोगों को मुफ्त में मिल जाती हैं वे सभी चीज़ें जिसे पाने के लिए आपने सपना देखा हो। इसके अलावा उन्होंने एक और इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की जिसमें लिखा था कि लाइफ के अंदर सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, आपको उनसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। वहीं मैं आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ ने इसके बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी डेस्कटॉप पिक्चर को भी हटा दिया है और अपनी इमोशनल पोस्ट के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं बीसीसीआई को मैसेज दे दिया है। बहरहाल फैंस लगातार पृथ्वी शॉ के साथ खड़े होकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी शॉ का हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन रहा था, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई है और वह भारतीय टीम से बाहर है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार भारतीय टीम में पृथ्वी शॉ की वापसी कब होती है, लेकिन आपकी जो कुछ राय है उनके इस इमोशनल पोस्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।